तो मैं उससे पहले एक और बात बता दूं, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है 25 मार्च का, तो हम उचाने भी मनाते हैं। तो मैंने कहा ये भी एक ड्यूटी है कि अपना बीजेपी की मीटिंग अटेंड करें। और ये असल में विधानसभा के हिसाब से नहीं हो रही, ये लोकसभा के हिसाब से मीटिंग हो रही है। जैसे आज चार लोकसभा की मीटिंग है और उचाना उसी में आता है, हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। पार्टी को मजबूती देंगे हमारे अध्यक्ष जी, नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी, और मैं बालक हूँ, इस नाते मेरी और भी ड्यूटी बनती कि मैं अपनी ड्यूटी निभाऊँ। मैं आई हूँ यहाँ पे बस, असल में ये कहने लगे भाई या तो शहीद फिर दिन का जन्मदिन 25 ना हो था, फिर या तो 23 को करो या 25 को करो, ये कहने लगे जन्मदिन ज़्यादा ज़रूरी है तो वो अक्टूबर में कर दिए। बाकी के पता लगा है, मैं तो बीच में नहीं पढ़ा करती। ये तो बात ठीक है। अब आप देखो जिस तरह से रुझान है बीजेपी की तरफ, तो उस हिसाब से तो हमारे को किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो खुद चुनाव से चुनाव लड़ती हूँ, मतलब मेरा पिछला चुनाव जी दुष्यंत आ रहे थे, अब की बार उन्होंने मेरे को पटकनी दे दी, तो उसका तो हमने सीधा नुकसान है, तो वो तो एक पर्सनल मैटर हो गया। बाकी स्टेट के लेवल से भी देखो तो हमारे पास बहुत बढ़िया मतलब लीडर्स हैं, हम तो हमारे को ज़रूरत नहीं कि किसी के मतलब सहारे की ज़रूरत है नहीं। वो तो असल में जो 2000 इलेक्शनों में वैसे तो देखो बयानबाजी चलती रहे है, और मैंने देखा है कि जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो सब पार्टी एक दूसरे की तरफ इतने लांछन लगाती हैं। अब कौन सा लांछन कोर्ट में चला गया, किसने उनके खिलाफ क्या करा, ये तो कोर्ट का ही फैसला है, इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। असल में हम तो कल के आ रहे हैं उछाने, मतलब टीवी भी नहीं देखा। पार्टी पर डिपेंड करे है, मैं 4 साल तो आई नहीं, लेकिन अब मैं आना शुरू कर दिया। मैं कभी 4 साल में कुछ होया ही नहीं, तो जाकर अपने हल्के से संभाले तो बोले जी ईट भी लगी आ रहे, तो समान विकास तो नहीं। मैं तो अब इलेक्शन हार रही हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये कि मैंने जो काम शुरू करवाए थे वो रुके हुए हैं। मैं अबकी बार दुष्यंत को पटकनी नहीं दूंगा, क्योंकि उचाने का बाईपास था निर्मल, उस टाइम अमित खत्री DC हुआ करते, उसके बाद विदेश यात्रा भी करे आए, वो 2 साल रहे भी आए, हमारे वहाँ हीट भी नहीं लगी। मैं तो असल में महिलाओं में मैंने जाना शुरू कराया है, अभी मैंने 2 गांव करे थे पेगगार डेवला, तो महिलाओं के संगठन हैं। अब हमारे उचाने या जींद जिले की लगा लो थोड़ी महिलाएँ जागरूक होने शुरू हुई हैं, पहले तो इतनी नहीं थी। आपने देखा होगा कि औरतें वैसे भी पीछे रहती हैं, सरपंच बन जाओ तब भी उनको पीछे रखा जाता है। अब मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ मैं तुम्हारे बीच में MLA रही, तुम बाहर आओ, मने देख लो, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी तुम क्यों छिपो हो। लेकिन वो झिझक सी है थोड़ी सी, धीरे धीरे कम होएगी, फ़र्क पड़ गया वैसे पहले सर अब मैं, क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायत आने लगी, बहुएँ पढ़ी लिखी आने लगी, लड़कियाँ पढ़ने लगी, तो वो भी अपनी माओ ना कहें भी बाहर निकलो आप भी, तो आपने देखा होगा घाघरे से सूट पा गए, सूट से जीन्स पा रहे हैं लड़कियाँ। दुष्यंत ने तो देखो एक सवाल करा था, मैं ये 2-3 ऐसे ऐसे वायदे लेके आया था, एक भी पूरा होया तो तुम बता दो मना, बोले ना जी कुछ नहीं होया, तो मैं कहा फिर तुम सच्चाई पर जो आदमी चलता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हम तो सच्चाई पे चलते हैं, चाहे कोई हमने बुरा कहे चाहे भला कहे, झूठ तो हमारे पर बोली नहीं जाती सच्चाई।